उत्कृष्ट संसद पटु का पुरस्कार मिलने पर मेघाश्रेया ने किया आशीष शेलार का सम्मान। भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों उत्कृष्ट संसद पटु का पुरस्कार प्राप्त करने पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष विधायक एडवोकेट आशीष शेलार का आज महानगर की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मेघाश्रेया द्वारा खार जिमखाना में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उनका सम्मान किया गया। संस्था की चेयरमैन सीमा सिंह के पति एम के सिंह राहुल तना ने भगवान गणेश की प्रतिमा तथा संविधान की पुस्तक देकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर सीमा सिंह के पति भी उनके साथ उपस्थित रहे। सीमा सिंह ने कहा कि इस पुरस्कार से पूरे बांद्रा पश्चिम विधानसभा का गौरव और सम्मान बढ़ा है। शेलार जी के जन समर्पित कार्यों को देखते हुए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आशीष शेलार ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने पर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे विकास कार्यों को और तेज गति के साथ पूरा करेंगे। मेघाश्रेया द्वारा दिए गए सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मान से उन्हें प्रेरणा मिलती है। सीमा सिंह की सराहना करते हुए शेलार ने कहा कि महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर के उपचार की दिशा में इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस दिशा में उन्हें जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी एक भाई की तरह मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा।
कुछ कहना चाहेंगी आज यहाँ पे आशीष जी का आपने सम्मान किया और क्या कुछ रहा ये मोमेंटो उसका मुझे? आशीष जी को आज हम लोगों ने जो उनको पुरस्कार मिला द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से, ये हम सब मुंबईकर के लिए गर्व की बात है। और ये उनका जो कार्य है, हम लोग सब हमेशा वो सहयोग में आए हैं और ये हम लोग को लगता है ये पुरस्कार जो है वो हम लोगों के लिए भी है, जैसा उन्होंने भी बोला। और अगर हम लोगों को ऐसा लीडर मिलेंगे और हम लोग उनके सहयोग में हमेशा आगे आएंगे, बिकॉज हम लोगों को एक ऐसा लीडर चाहिए जो हम लोगों को एक सुरक्षा, एक डेवलप सिटी दे सके। और बॉम्बे का आप लोग सब जानते हो, बांद्रा जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं और सब लोग, और इन सब के पीछे मैं समझती हूँ कि आशीष जी का विजन बहुत ये है, उनका सोच जो है और उन्होंने जो विकास के लिए जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है और हम लोग का सहयोग उनके साथ है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लीडर हमारे देश को और मिले ताकि हमारे देश की उन्नति हो। सीमा जी, आपके जो कार्य किए हैं उस कार्य की सराहना खुद आशीष शेलार ने किए, कैसा लगता है जब खुद जो आपके MLA हैं वो आपके जो संसद कुट हुए उन्होंने आपके कामों की सराहना? बिल्कुल, देखिए जैसा आपने देखा अभी प्रोग्राम के दौरान, हम लोगों ने अपने को एक MLA और एक वोटर के रूप में नहीं देखते हैं, हम अपने आप को एक परिवार के रूप में देखते हैं। और जब आप एक परिवार बन जाते हो तो एक दूसरे के लिए हमेशा आगे आते हैं। वो एक MLA हैं और हम लोगों ने उनको चुनकर अपने नेतृत्व के लिए बनाया है। और जब सराहना आपको, हर लोगों को लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको सराहना मिले, और ख़ास करके जब आशीष जी जैसे और हमारे जो आप दोस्त देख रहे हैं, हमारे परिवार है, उनके तरफ से सराहना मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत बल मिलता है आपको अपने कार्य के लिए, लगता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और सही कार्य कर रहे हैं। और बस इस तरह की सराहना आपको ताकत देती है, नई ऊर्जा देती है ताकि आप और अच्छे कार्य कर सकें। आपकी आंखों में आंसू दिखेंगे थे जब आप आशीष जी ने कहा कि मेरी बहन एक वीर थपथपाती है, उस समय आंखों में आंसू? बिल्कुल, एक इमोशनल मोमेंट होता है। देखिए हम लोग ब्लड से हम लोग भाई बहन नहीं हैं, बट जब आपको ऐसे भाई मिलते हैं जब आप कार्य करते हैं, और जब सामाजिक कार्य भी एक ऐसा बहुत ही सुविधा वाला कार्य नहीं, आजकल एक कॉम्पिटिटिव युग है, यू नो लाइक जब आप अच्छे काम भी करते हैं तो आपको बहुत सारी बाधाएं आती है, और जब आप जितनी बड़ी जिम्मेवारियां आपके ऊपर आती है तब आप उस दर्द को, उस भावना को आप समझ सकते हैं। जब आशीष जी जैसे बड़े नेता आपको बोलते हैं कि मेरी बहन ने थपथपाया, तो मुझे कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, और हम लोगों का सहयोग उनको ताकत देता है। तो अच्छे कार्य करने वाले को हम लोगों को सहयोग देना चाहिए, और बस एक परिवार की तरह, पूरा देश जब अगर एक परिवार की तरह बन जाए और एकजुट होकर सब लोग रहे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र कहां से कहां पहुंच जाएगा। काफ़ी मतदार यहां के जो स्थानीय आपसे जुड़े हुए आपकी संस्था के साथ काम करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे MLAs आपको मिले हैं, उनके माध्यम से अच्छा काम हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जनता जो है वो सब जानती है, ये हम लोग जानते हैं हमारे बोलने से कि वो अच्छा कार्य, उनका कार्य दिखता है, उनका विज़न दिखता है हम लोगों को। हम लोग किसी को इन्फ्लुएंस, झूठा झूठे बोलते हैं ना, फेक प्रॉमिसेस करके हम किसी नेता को नहीं चुन सकते। आज की जनता बहुत होशियार है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और बिल्कुल जब मैं अच्छा काम करती हूँ तो लोगों का विश्वास मेरे पे बनता है, लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, और वो विश्वास प्राप्त करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए। तो बिल्कुल मैं अपने माध्यम से, मैं आशीष जी को बहुत नज़दीक से देखती हूँ, और वो इतने व्यस्त होते हुए भी किसी का भी कार्य हो, सिर्फ मेरा नहीं मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है हर लोगों को सहयोग का जब भी ज़रूरत पड़े तो वो आगे बढ़े हैं, और ऐसे नेता जरूर चुनकर आने चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र, हमारा देश मजबूत बने और एक अच्छे नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ सकें। सीमा जी, आपने जब उनका सम्मान किया, आप दो चीज़ें उनको दी, संविधान और गणेश जी की मूर्ति, क्या दोनों का स्थान है? देखिए संविधान तो हम लोग सबके लिए पूजनीय है, संविधान है तो हम भारतीय हैं, और हम सब भारतीयों के लिए संविधान कितना मायने रखता है, कितना हम लोगों के लिए वो सब कुछ है। तो एक नेता के तौर पे अगर वो संविधान में रहते हुए नेतृत्व करेंगे तो हमारा देश बिल्कुल विश्व का नंबर वन देश बनेगा। और कल गणपति बप्पा आ रहे हैं, हम सब महाराष्ट्रियन के लिए, हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। तो ये एक नई शुरुआत है, नई ये है, जैसे उनको आज अवार्ड मिला और आने वाले इलेक्शन में उनको नई शक्ति और ऊर्जा मिले, और ये गणपति मैंने इसलिए उनको भेंट की, और संविधान में वो रह कर कार्य करें, ये हमारा इसके पीछे मेरा विचार था उनको संविधान और गणपति देने का। उन्होंने दो बात यहाँ पे काफ़ी अहम कही, एक तो हेल्थ के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में, कि आने वाले समय में यहाँ से
काफ़ी बड़ा स्पोर्ट्स के लिए एक मैदान मिलने वाला है, कैंसर जैसे हॉस्पिटल्स मिलने वाले हैं, मतलब आने वाले समय में यहाँ से कुछ ओलंपिक के लिए भी यहाँ से लड़के जा सकते हैं, उसके बारे में क्या? बिल्कुल, आपने जैसा देखा जो हेल्थ सेक्टर है, कैंसर आज आप देख रहे हैं, बहुत लोग कैंसर से जूझते हैं और सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैं भी कैंसर, सर्विकल कैंसर के ऊपर काम करती हूँ और देश के कोने कोने से लोग आते हैं और लोगों को यहाँ रहने का मतलब इलाज तो छोड़ दीजिए, महीनों लग जाते हैं उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में और उनका इलाज करने में। अगर हर इलाके में अगर कैंसर का सेंटर होगा तो कितनी सुविधा हो जाएगी, जो बीमारी जो बिना इलाज के लोग मर रहे हैं अगर समय पर उनका इलाज होगा तो इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानती हूँ कि बांद्रा में एक कैंसर सेंटर बनने जा रहा है जहाँ पे लोग जल्द से जल्द अपना इलाज करा पाएंगे। और खेल, खेल आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, पहले लोग बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, बट आज के दिन में हर माता पिता, हर पेरेंट्स स्पोर्ट्स का वैल्यू समझ गए हैं, उनको मालूम है कि नॉट ओनली आजकल पढ़ाई लिखाई करो, स्पोर्ट्स में भी आप देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे लोग हैं, बाकी भी स्पोर्ट्स नॉट क्रिकेट, ओलंपिक में जाने के लिए कई बेटियां आपने देखा भी कि बेटियों ने कितना मेडल लेकर आई हैं, तो ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। और जब उनको सुविधा दिया जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बेटियां बेटे ये मेडल लेकर आएंगे ओलंपिक के लिए तैयार। कल से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही, तो क्या बांद्रा वासियों के लिए और मुंबई या महाराष्ट्र वासियों के लिए क्या संदेश? मैं यही बोलूंगी कि हम लोग पूरे साल गणपति का इंतज़ार करते हैं, गणपति एक ऐसा त्यौहार है हम महाराष्ट्र वालों के लिए, हम सबों के लिए, कि उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाते हैं। बस यही कहेंगे कि गणपति बप्पा हम सब बेटियों के लिए एक सुरक्षा का ढाल बनकर आए, जो हमारे देश में भी बेटियों के साथ हो रहा है ये घटना ना हो, ये प्रार्थना हम करते हैं। और हम सब मिलकर बड़े उमंग और उत्साह से ये त्यौहार मनाएंगे और गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू। महाराष्ट्र विधान विधिमंडळाच्या वतीने 2019-20 सालचा उत्कृष्ट संसदपटू हा पुरस्कार माननीय महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांच्या हस्ते मिळाला। स्वाभाविकच आहे, मुंबई आणि विशेषतः माझ्या मतदारसंघातील सामान्य माणसाचा आवाज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये त्या ठिकाणी मांडण्याची संधी विविध आयुध वापरून मी करू शकलो, याचं कारण या नागरिकांनी माझ्या बाजूने केलेला आपला आशीर्वाद आणि मतदान, या रूपाने मी त्या विधानसभेपर्यंत पोहोचू शकलो। आणि आज या ठिकाणी मेघाश्रय नावाच्या संस्थेच्या वतीने माननीय सीमा सिंगजी, राहुल कनालजी आणि मिस्टर सिंग या सगळ्यांनी मिळून खार जिमखाना इथे आमच्या विभागातील नागरिकांच्या वतीने हा पुरस्कार मिळाला म्हणून त्याबद्दलच्या अभिनंदनाचा कार्यक्रम समारोह केला। आणि स्वाभाविकता जनतेशी, मतदारांशी, त्यांच्यासाठी आतापर्यंत काय करू शकलो आणि काय करणार आहे या विषयाचा संवाद मी केला आणि त्यातून एक सकारात्मक ऊर्जा पुन्हा एकदा मुंबईसाठी आणि मतदारसंघासाठी काम करण्याची ही मिळते आणि ती मिळाली, याबद्दल मी आयोजकांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। ज्या पद्धतीने ज्यावेळेस आपले मतदार अशा पद्धतीचा सत्कार करतात, कसं वाटतं? खरं तर घरी गेल्यावर आईने, बहिणीने, भावाने सत्कार करावा आणि बाहेर तू दिवसभर काय करतोस, तो चांगलं काम करतोयस याची प्रशंसा करावी। तसंच बहीण म्हणून सीमा सिंगजी आणि त्यांच्या संस्थेने केलेला संस्कार हा मला पारिवारिक ऊर्जा देणारा आहे आणि म्हणून त्यात जास्त आनंद आहे। तुम्ही जेव्हा म्हणाल की बहिणीने पाठीवर थाप मारले, त्यावेळेला सीमा सिंगच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले, ते कसं बघते का? खरं तर हे नातं, प्रत्येक नातं हे निसर्गाने निर्माण केलेलं असतं आणि काही नातं निसर्ग निर्माण करतं। आज निसर्गाने निर्माण केलेलं नातं आहे, त्या स्वतः अतिशय उत्तम सामाजिक काम करतात, सीमाजी त्या सगळ्यासाठी प्रचंड परिश्रम करतात आणि त्यामुळे एखादं कार्य पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ, त्यासाठी लागणारे परिश्रम यांची त्यांना कल्पना आहे। आणि म्हणून ज्या वेळेला इतक्या कामांमध्ये स्वतःला मी झुकून दिल्यानंतर, त्याची जेव्हा मी जंत्री मांडली आणि या सगळ्यानंतर मला थाप सीमाजींसारख्या कोणीतरी बहिणीने दिली, याच्यानंतर आपण किती परिश्रम करतो याच्याबद्दलच्या त्यांच्या भावना या संवेदनशील रूपाने डोळ्यातून त्यांच्या आल्या असतील, मला वाटतं तो मला आशीर्वादच आहे। सर, ज्या वेळेला तुमचं नाव की आपला रस्ता बरोबर आहे ना, आपण काम करतोय ते योग्य आहे ना आणि आपल्या कामाला लोकांनी आपलं समजलं आहे ना, या तिन्हीचं उत्तर हो असं मिळालं, एवढीच होती।
गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने आंध्र पश्चिम असेल की मुंबई असेल महाराष्ट्राच्या जनतेला काय संदेश? सर्वांना खूप शुभेच्छा. नियम आणि आनंद दोन्ही एकत्र साजरा करा. थँक्यू.